भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर नर्मदा संघर्ष समिति के बैनर तले गत 25 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने व भीनमाल मांग नर्मदा का नीर अभियान के तहत आज भीनमाल हाथ ठेला नाश्ता यूनियन देवासी समाज की ओर से भीनमाल शहर सहित 306 गांवों को नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से रैली निकालकर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राम सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि भीनमाल शहर सहित क्षेत्र के समस्त 306 गांवों व ढाणियों में नर्मदा का पानी उपलब्ध करवाने के लिए पिछले 25 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वर्ष 2008 में राज्य सरकार द्वारा करीब 371 करोड़ की लागत से नर्मदा परियोजना तैयार की गई थी। उक्त कार्य वर्ष 2016 में पूर्ण करने का लक्ष्य था, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के बाद राज्य सरकार व प्रशासन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते उक्त कार्य को लेकर आवश्यकता अनुसार बजट आवंटन नहीं करने की वजह से अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में जिले के विभिन्न क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुँच चुका है, लेकिन भीनमाल शहर सहित 306 गाँवों में नर्मदा का पानी आज दिन तक उपलब्ध नहीं हो पाया। ज्ञापन में बताया कि सरकार की ओर से 25 दिनों से चल रहे गैर राजनीतिक धरना प्रदर्शन को लेकर कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिसके चलते शहर और क्षेत्र लोगों में का भारी आक्रोश व्याप्त है। उत्तरण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में हाथ ठेला नाश्ता यूनियन देवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। शहर में नर्मदा पेयजल को लेकर धरना चल रहा है और लंबे समय से शहरवासियों की मांग भी है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है, पिछले एक महीने से शहर का हर नागरिक 36 कौम के लोग समाजवाइज अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और इस गंभीर विषय पे इस सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। तो मैं इस सरकार के मुखिया जी को और इस सरकार के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सबको कहना चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए, चूँकि इस बार भी एक काल पड़ा है, पिछली बार भी एक काल पड़ा था, तो इस अकाल के इस मौसम में आने वाला जो समय है भीनमाल शहर के लिए, गरीब जनता जो दिन का 200 रुपया कमाती है उनको एक एक हज़ार रुपये के टैंकर बहुत भारी पड़ रहे हैं और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार मूलभूत सुविधा में जो आता है बिजली सड़क और पानी, उसमें से पानी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पानी ये सरकार नहीं दे सकती है तो इस सरकार का निकम्मापन जाहिर होता है और इस सरकार को इस्तीफा देने की मैं तो मांग करता हूँ कि सरकार को इस्तीफा दे करके दूसरी सरकार आए और नर्मदा नीर पे जल्दी से जल्दी भीनमाल की इस मांग को पूरा करें, वरना भीनमाल की पब्लिक अभी तक जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही है उसमें जो उग्रता होगी वो पूरी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। इससे ऐसे माहौल में सरकार को गंभीरता से सोचते हुए ये सरकार का लुकआउट है कि कैसे काम करना और कैसे लेना है। भीनमाल की जनता की एक ही मांग है कि 2021 के एंड तक भीनमाल में नर्मदा का नीर पहुंचना चाहिए। यही हम सरकार से अपील करते हैं कि भीनमाल में पानी पूरा करें। धन्यवाद।